अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, जुकी वर्ग के साथ खुश आमदीद। दोस्तों आज सब भाइयों को मैं सिखाऊंगा कि आपकी अगर पीको की मशीन है या ओवरलॉक की मशीन है तो वो कपड़ा को इकट्ठा कर देती है, कपड़े को सर्वर डाल देती है, या कपड़ा इकट्ठा होता है, इकट्ठा हो जाता है चलाते वक्त, और कपड़े की जो सिलाई है वो टेढ़ी मेढ़ी आती है और सही नहीं आती है, तो उसकी सेटिंग आपने किस तरह करनी है, तो वो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आपने शुरू से लेकर एंड तक मुकम्मल देखना है और तवज्जो के साथ आपने देखना है कि मैं किस तरह आपको इसके बारे में बताता हूँ कि इसको कैसे हैंडल करना है। आपने सिंपली अपने दंदालों की टाइमिंग को चेक करना है कि दंदालों की टाइमिंग ठीक है या नहीं। आपने फुट को इस तरह उठा के बाहर निकाल लेना है, और आपका फुट बाहर निकल जाएगा तो आपने दंदालों की टाइमिंग को घुमा के चेक करना है, ठीक है। ये देखें दोस्तों, ये आपके दंदाल हैं, ये दोनों पहले वाला भी और दूसरे वाला भी, जो दोनों दंदाल हैं ये आपके बराबर होने चाहिए। नंबर एक पे आपके दंदाल दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद आपका क्या है, जो आपके दंदाल हैं ये बराबर वर्क करें, ये देखें ये आगे पीछे बराबर वर्क करें, मतलब कि ये जो ये वाले दंदाल हैं और ये वाले पीछे वाले और फ्रंट वाले, ये दोनों दंदाल आप बराबर आगे पीछे घूमें, ये ना हो कि ऐसे ऐसे आपस में टकराएं, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ कि जो अगर आपकी टाइमिंग ख़राब हो तो वो किस तरह ये घूमेंगे। ये देखें, ये यहाँ से ये स्क्रू हम बिल्कुल इसको ढीला करते हैं और फिर इसको ये देखें, ये आपके और थोड़ा सा करना पड़ेगा, मतलब कि ये आपके जो सर्वर डालने के लिए काम करता है ना, वो ये ऑप्शन होता है, यहाँ से आपका ये फंक्शन होता है। ये आपका अगर लूज़ है, आपका ख़राब है, तो आपके दंदाल इस तरह वर्क करेंगे, ये देखें। ये आपस में आगे पीछे तो जा रहे हैं लेकिन ये इकट्ठे नहीं जा रहे हैं, ये देखें ये इकट्ठे नहीं जा रहे हैं, ये आपस में ऐसे ऐसे झगड़ रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, जैसे कि इस तरफ से पहले वाला दंदाल और दूसरी तरफ से ये इस तरह दोनों आगे पीछे घूम रहे हैं एक दूसरे की तरफ। तो आपने ये इसकी एडजस्टमेंट यहाँ से करनी है, आपने देखना है कि ये जो है ये आपके, आपने इसको थोड़ा सा दबाना है, थोड़ा सा नीचे दबा के आपने फिर चेक करना है कि आपकी जो यहाँ से टाइमिंग है वो ठीक है। आपके दंदाल थोड़ा सा भी, आपके दंदालों का थोड़ा सा भी हिस्सा बगैर, बराबर दोनों बराबर होने चाहिए, बराबर नीचे जाएं और बराबर ही आगे आएँ एक दूसरे के, ये जो इनके सेंटर में जो ये फासला है ना, ये कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, चलते चलते कम ज़्यादा ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे ऐसे कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये कम ज़्यादा होता है, कम ज़्यादा मतलब कि आगे पीछे होता है, तो फिर आपकी जो मशीन है वो कपड़े को इकट्ठा करती है, कपड़े को सर्वर डालती है और आपकी सिलाई ख़राब हो जाती है, आपको कपड़े को पीछे से खींच के चलाना पड़ता है, ये मसले आते हैं। तो इसकी सेटिंग यहाँ से ही होनी है, आपने इस पेच स्क्रू को टाइट करना है और इसको ना ही फुल आपने नीचे दबाना है और ना ही इसको थोड़ा सा सेंटर में रखना है और इसको टाइट कर देना है, और यहाँ से ये इसकी सेटिंग ऊपर नीचे कहीं भी हो सकती है, थोड़ी सी आगे पीछे केम के हिसाब से, ठीक है। आपने सिर्फ दंदालों के ऊपर फोकस करना है, दंदालों पर गौर करना है कि ये आपस में ऐसे ऐसे जब आपस में ऐसे ऐसे बराबर चलना शुरू कर दें, ऐसे ऐसे बराबर मतलब कि ये बराबर चलना शुरू कर दें, दोनों एक ही टाइम पे फ्रंट और एक ही टाइम में बैक वाला जो आगे पीछे वर्क करे, तो आपने इसको टाइट कर देना है यहाँ से और इसको ये इसकी प्ले ख़त्म कर देनी, ताकि ये थोड़ा सा ढीला भी हो तो ये ऊपर ना आए चलते चलते। ये यहाँ पे इसकी ये सेटिंग थी। इसके बाद आपने क्या करना है, जो ये वाले दो धागे हैं इनको आपने थोड़ा सा ढीला चलाना है, इनको टाइट नहीं रखना, इनको ढीला चलाएंगे तो आपकी सिलाई खुद ब खुद ऊपर से इसकी नोक से चलती जाएगी, और जो ये इसका दंदाल जो पीछे वाला ये वाला दंदाल है, ये आपने इनके बराबर ही रखना है, ना कि इसको नीचे डाउन करना है। थोड़ा सा ऊपर हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन नीचे इसको डाउन नहीं होना चाहिए, ये जो एंड में ये दो दंदाल हैं, कोई भी मशीन हो, 747 हो, 757 हो, या कोई 3 थ्रेड कोई और किसी कंपनी की भी हो सकती है, तो इसमें आपने ये एहतियात रखनी है।
उसके बाद आपने क्या करना है कि आपके जो दंदाल हैं ये इनके कट वगैरह जो है ना, कट फ्रंट में और बैक में जो दंदाल के कट हैं, आपकी सुई फुल ऊपर हो, जब आपकी सुई फुल ऊपर हो तो ये दंदालों के सिर्फ कट बाहर आने चाहिए और इससे ज़्यादा ये ऊपर बाहर ना हो। अगर बाहर है फ्रंट वाला या बैक वाला तो आप यहाँ से नीचे से इसके ये दो स्क्रू हैं इनसे आप इनको नीचे कर सकते हैं, या ये ज़्यादा नीचे हैं तो आप इनको ऊपर कर सकते हैं। और जब आपकी सुई जो है वो नीचे चली जाए यहाँ पे निडल प्लेट की नोक के अंदर, तो आपके ये जो यहाँ पर इसके दंदाल बाहर नहीं होने चाहिए, मतलब कि बिल्कुल ये देखें ना सुई की नोक कितनी अंदर है और दंदाल हमारे बिल्कुल बराबर हैं। और ये आपने चेक कर लेना है, ये ना हो कि आपके पिछले दंदाल ऊपर हों और ऊपर फ्रंट वाले जो हैं वो नीचे हों, ये आपने दोनों दंदाल बराबर बिल्कुल बराबर चलाने हैं, तो आपकी मशीन कभी भी कपड़े का सर्वर नहीं डालेगी और टांका को ख़राब नहीं करेगी। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं सब भाइयों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।